ओके, हमने इंटरोगेटिव सीखने हैं अब। सो हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन बनाते हैं। हमने पीछे सीखा था डू यू हैव मनी, डज ही हैव मनी, डू यू हैव कार, डज ही हैव कार। तो हम इसमें हैड सीख रहे हैं, तो हमने डिड लगाना सीखा था, तो अब हम डिड को आगे लेकर के आएंगे। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम्हारे पास कार थी, सो डिड यू हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क लगा देना आपको, क्या तुम्हारे पास कार थी। अब मैं कहता हूँ क्या तुम्हें फीवर था, सो डिड यू हैव फीवर, क्या तुम्हें बुखार था। इसी तरह से आपको डिड आगे लगा देना है, और आपको यू हैव या डिड ही हैव या डिड शी हैव कह सकते हो, क्या उसके पास तुम्हारा फोन था। तो मैं कहता हूँ डिड ही हैव, सॉरी डिड ही हैव योर फोन, आपको ऐसे बनाना है, क्या उसके पास तुम्हारा फोन था। सो इस तरह से आपको बनाना है। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन तो आता ही हमारा, जिसमें हम नॉट भी लगाते हैं, वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूं क्या नहीं था, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे हम इसमें, क्या नहीं था। तो जैसे मैं कहता हूं क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, डिड यू नॉट हैव अ कार। सी हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि हमने इसमें नॉट लगा दिया है क्वेश्चन के साथ। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम्हारे पास समय नहीं था, डिड यू नॉट हैव टाइम। सो इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, और ये हमारे हो जाएंगे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो आगे हम सीखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हर सेंटेंसेस में आपकी आएगी। डब्ल्यू एच फैमिली आप मोस्टली क्वेश्चन बनाते वक्त यूज करते हो, और ये डब्ल्यू एच फैमिली में जितने भी आगे सेंटेंस आने वाले हैं, वो सारे सेंटेंसेस में ये डब्ल्यू एच फैमिली यूज आएगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होगी। तो पहले हम सीख लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली होती क्या है। सो डब्ल्यू एच फैमिली इज दैट फैमिली वेयर डब्ल्यू एच वर्ड कम्स, जहां पर डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। जैसा हमने देखे हैं कि वॉट, वॉट मीन्स होता है क्या, तो हमें पता है कि डब्ल्यू एच है, इसीलिए डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है। सो देयर आर मैनी वर्ड्स विच रिलेट टू डब्ल्यू एच फैमिली, विच इज कौन सा, वाई means क्यों, where means कहाँ, how means कैसे, when means कब, who means कौन, किसको, किससे, और डब्ल्यू एच ओ एम हुम, हुम मीन्स भी किसको। सो हुम पहले ज़्यादा यूज होता था, नाउ डेज वी यूज डब्ल्यू एच ओ हु इन द सेंस ऑफ हुम। देखते हैं अब इनको वर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिखाया कि तुम्हारे पास क्या है, सो मैं कहता हूँ वॉट डू यू हैव, ये हमारा बना क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस जो कि डब्ल्यू एच फैमिली से बना है। तो मैं पूछ रहा था डू यू हैव, अब जब हम डू यू हैव से सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां हम बताते हैं कि क्या तुम्हारे पास कार है, बाइक है, बंगला है। लेकिन जब हम डब्ल्यू एच लगाते हैं व्हाट, तो उसमें हम पता करना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। जैसे व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है,
मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ विच, जैसे मैं कहता हूँ कौन सा फोन तुम्हारे पास है या तुम्हारे पास कौन सा फोन है। सो विच, विच के साथ हम जिसकी बात करते हैं हमेशा हम वो नाउन आगे लगा देंगे, विच फोन यू यू हैव, कि तुम्हारे पास कौन सा फोन है। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं वाई, जैसे मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी तुम्हारे पास क्यों है, या फिर चलो मैं डज का यूज करता हूँ इसमें कि मेरी गाड़ी उसके पास क्यों है, तो मैं बनाता हूँ कि वाई डज ही हैव माई कार, तो उसके पास मेरी कार क्यों है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वेयर, जैसे मान लो मेरे दो घर हैं, मैं कहता हूँ एक मेरा घर दिल्ली में है, दूसरा मेरा फरीदाबाद में है, तो अगर आपको नहीं पता आप पूछोगे आपका दूसरा घर कहाँ है, सो आप कैसे पूछोगे, वेयर डू यू हैव योर अनदर हाउस, कि अनदर मतलब दूसरा, आपका दूसरा घर कहाँ है। इस तरह से हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसे मान लो मेरी बाइक की चाबी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो मैं कहूंगा कि मेरी बाइक की चाबी तुम्हारे पास कैसे है, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, हाउ हाउ डू यू हैव माई बाइक्स की, तो मैं अपोस्ट्रोफी आपको लगाना चाहूँ बताऊंगा बाद में, इसका मतलब क्या होता है का, बाइक की का, या फिर की या फिर के भी आ सकता है इसका मतलब, जो हम अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगाते हैं इसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं, बाइक्स की, आई विल एक्सप्लेन दिस अपोस्ट्रोफी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हाउ डू यू हैव माई बाइक्स की, मेरी बाइक की चाबी तुम्हारे पास कैसे है। और देख लेते हैं, हाँ वैन को लगा करके देखते हैं, चलो मान लो मेरे घर पर एक बाइक है और उसी एक बाइक को मैं और मेरा भाई दोनों यूज करते हैं, तो आधे समय तक वो बाइक मेरे भाई के पास रहती है और आधे समय तक मेरे पास रहती है, तो इसी तरह आप मुझसे पूछना चाहोगे कि तुम्हारे पास वो बाइक कब होती है, तो आप कहोगे वैन डू यू हैव बाइक, कि तुम्हारे पास बाइक कब होती है। सो व्हेन डू यू हैव, इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो कि जैसे व्हेन डू यू हैव फोन, लाइक देयर इज ओनली सिंगल फोन इन योर फैमिली एंड योर ब्रदर एंड योर फादर आल्सो यूजेस दिस फोन, सो आप कहोगे कि तुम्हारे पास वो फोन कब होता है, तो आप कहोगे व्हेन डू यू हैव दैट फोन, इस तरह से आप कहोगे। हम नेक्स्ट बना लेते हैं हु, हु कौन किससे किसको, अब मैं बोलता हूँ किसके पास मेरा फोन है, तो मैं कैसे बोलूँगा, हु क्वेश्चन में डज आगे आ जाएगा, हु डज हैव माई फोन, तो किसके पास मेरा फोन है, हुम, होम भी हम आगे सीख लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम सारे इसी में सेंटेंस में यूज करें, आगे जितने भी वर्ड्स आएंगे वी विल लर्न ऑल द सेंटेंसेस विद डब्ल्यू एच फैमिली, मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ भी सिखाऊंगा, सो ये हमारी डब्ल्यू एच फैमिली है। इसी तरह से आप पास्ट में भी यूज कर सकते हो, मैं पास्ट में यूज करके दिखाता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास बाइक क्यों थी, तो क्वेश्चन में डिड आगे आ जाएगा, व्हाई डिड यू हैव बाइक, तुम्हें कल फीवर क्यों था, व्हाई डिड यू हैव फीवर यस्टरडे,
कल तुम्हारी छुट्टी क्यों थी, व्हाई डिड यू हैव हॉलीडे यस्टरडे। इसी तरह से आप पास्ट में नेगेटिव बनाना चाहो डिड लगा करके व्हाई, डब्ल्यू एच फैमिली कुछ भी लगा सकते हो कि कल तुम्हारे पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव यस्टरडे। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव। एंड ये जो डब्ल्यू एच फैमिली है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश। वेर एवर वी मेक एनी सेंटेंस वी यूज फर्स्ट दिस डब्ल्यू एच फैमिली टू मेक क्वेश्चंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी विद दिस डब्ल्यू एच फैमिली, यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई एक्सप्लेन यू देयर, और आई मेक अनदर वीडियो ऑफ इट फॉर मोर विद मोर एग्जाम्पल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please like and subscribe my channel, like my videos, and please share it with others so as to people can understand and learn English. And it is very easy. We just think that the English is a difficult language, but it is not, since we can learn it. If I can learn it, so why can you not learn it? It is very easy. So the language which we feel that this is very difficult, it is not that. If you come to me, I'll explain everything to you. So let's zoom out, let's get the class over.